हेलो गाइस, दिस इज वर्तिका सिंह एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे पाइथन में पैटर्न्स कैसे प्रिंट कराते हैं यूजिंग नेस्टेड लूप्स। सो लेट्स स्टार्ट। सो आज हम ये सारे पैटर्न्स प्रिंट कराने वाले हैं। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम एक यूजर इनपुट लेंगे। रो इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर नंबर ऑफ रोज। ओके, अब हम चलाएंगे फॉर लूप। फॉर आई इन रेंज 1 से रो प्लस 1। रो प्लस है ना, हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जब भी हम रेंज लेते हैं तो जो लास्ट वाला रेंज होता है उससे हम एक कम लेते हैं। यानी अगर यहाँ पर 1 से 4 होता तो इसका वैल्यू होता 1 2 3। ओके, जस्ट 1 1 2 3। हाँ, ये रेंज होता, ठीक है। तो अगर हमें 4 तक चाहिए तो हम +1 करेंगे, यानी यहाँ पर 5 कर देंगे, तो यहाँ पे रेंज बढ़ जाएगा 4 तक। ओके, अब हम इसके अंदर एक लूप चलाएंगे। फॉर जे इन रेंज 0 से i। और अब हम यहाँ पे प्रिंट करा देंगे, प्रिंट हैश या जो भी आपको प्रिंट कराना है। यहाँ पे आप एस्ट्रिक भी प्रिंट करा सकते हैं या जो भी आपको प्रिंट कराना है आप प्रिंट करा सकते हैं। एंड इज इक्वल टू स्पेस। ओके, अगर आप ये नहीं डालोगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा, जो प्रिंट होके आएगा, वो एकदम स्ट्रेट लाइन में आएगा। वो मैं आपको करके दिखाऊंगी। सो आगे बढ़ते हैं। फाइनली प्रिंट सिंगल इन्वर्टेड कॉम। ओके, सो हमने यहाँ पे क्या किया, जो पहला वाला लूप यहाँ पे जो चल रहा है, सॉरी ये रो प्लस 1। सो जो पहला वाला लूप यहाँ पर चल रहा है वो ये देखेगा कि कितना रो प्रिंट कराना है, ठीक है। और दूसरा वाला रो जो है, ये जो आपका रेंज है, वो ये चेक करेगा कि कितने हर रो में आपको कितने बार ये हैशटैग प्रिंट कराने, ठीक है। यानी जब रेंज जब हम फॉर लूप में घुसेंगे फर्स्ट टाइम, जब रेंज का वैल्यू 1 होगा तो जे का वैल्यू होगा 0 से 1, यानी 1, राइट। तो पहले वाले रो में एक हैशटैग प्रिंट होगा। जब वापस दूसरे पहले वाले लूप में घुसेगा और रेंज का वैल्यू 2 होगा तो जे का वैल्यू 0 से 2 होगा, यानी 0 1, यानी हैशटैग 2 बार प्रिंट होगा। सो इसी तरह से रो प्लस 1, यानी जितने भी आप रो डालोगे उतने तक का ये रेंज है। सो अब हम इसको प्रिंट करा के देखते हैं। एंटर नंबर ऑफ रोज, मान लीजिए हम 4 डालते हैं। सो ये देखिए 4 रोज प्रिंट हुए और हर बार एक एक बढ़ते गया। सो ये था हमारा पहला पैटर्न। अब हम दूसरे पैटर्न पे आते हैं। आप नोटिस कर रहे होंगे ये जो पैटर्न है सिमिलरली पहले जैसा ही है, एक्सेप्ट कि इसमें फिर धीरे धीरे वैल्यूज घटते जा रहा है, ठीक है। तो हम पूरा का पूरा ये चीज यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ओके, यानी आप पेस्ट कर लेते हैं कि यहाँ तक का हमें सिमिलरली एकदम सेम ऊपर वाला ही प्रिंट कराना है, बट अब हमें यहाँ से डिक्रीज करते जाना है हैशटैग का। तो अब हम क्या करेंगे, फिर से एक फॉर लूप चलाएंगे। फॉर के इन रेंज रो से 0 तक, ठीक है। अब हमको घटाना है तो अब हम रो से पीछे वाले उससे जाएंगे और 0 तक प्रिंट कराना है और हर बार हम एक कम करते जाएंगे। ओके, अब हम फिर से नेस्टेड लूप यूज करेंगे। फॉर एल इन रेंज 0 से k-1, सॉरी रेंज 0 से k-1, ठीक है। सेम लॉजिक है ऊपर वाला ही, यहाँ पे बस ये डिफरेंस है कि ये वाला लूप उल्टा चल रहा है। ओके, प्रिंट हैशटैग एंड्स इज इक्वल टू स्पेस। एंड यहाँ पे हम फाइनली प्रिंट कर देंगे, प्रिंट स्पेस। अब हम इसको चला के देखते हैं।
एंड नंबर ऑफ रोज मान लीजिए 3, तो ये देखिए हमारा ये वाला चीज प्रिंट हो गया। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज 3 इसलिए है क्योंकि पहले ये वाला मतलब पहले ये वाला लूप से 3 प्रिंट हुआ है, और फिर इस वाले लूप से जो कि रो से 0 तक था ये आगे वाला प्रिंट हुआ है। ठीक है, सो और हाँ मैंने आपको बोला था कि मैं पिछले वाले में आपको ये करके दिखाऊंगी कि अगर हम ये वाला पैरामीटर नहीं डालेंगे तो क्या होता है। ओके, एंटर नंबर ऑफ रोज, और ये देखिए ये हमारा सीधे सीधे प्रिंट होते जाएगा, इससे यहाँ पर आपको ये वाला पैरामीटर ऐड करना जरूरी है। स्पेस, अब हम ये प्रिंट कराना है, तो सिमिलरली हम पहले यूजर इनपुट लेंगे, रो इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर नंबर ऑफ रोज। ओके, अब हम चलाएंगे फॉर लूप फॉर आई इन रेंज 1 से रो प्लस 1। अब हम नेस्टेड लूप यूज करेंगे फॉर जे इन रेंज 1 से आई प्लस 1। ओके, हम क्या कर रहे हैं, जब हम फर्स्ट टाइम लूप में घुसेंगे यानी जब फर्स्ट टाइम रेंज का जो वैल्यू होगा 1 होगा, तो जे का वैल्यू हो जाएगा 1 से आई प्लस 1 यानी 1 से 2। ओके, सो हम यहाँ पे लिख देते हैं प्रिंट जे एंड एंड इज इक्वल टू स्पेस। हाँ, तो हम क्या कर रहे हैं, जब फर्स्ट टाइम रो में सॉरी लूप में हम घुसेंगे जब रेंज का वैल्यू होगा 1, ठीक है, तो जे में जब हम घुसेंगे तो उसका रेंज हो जाएगा 1 से आई प्लस 1 दैट इज 2 नाउ, सो 1 से 2 इज इक्वल टू 1, क्योंकि हम जो लास्ट वाला रेंज होता है उससे हम एक कम का वैल्यू लेते हैं। तो फर्स्ट टाइम प्रिंट होगा लाइक जब फर्स्ट टाइम जे प्रिंट होगा तो फर्स्ट रो में 1 प्रिंट होगा, फिर दूसरे रो में जब आई का वैल्यू 2 हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 से 3 हो जाएगा क्योंकि आई का वैल्यू यहाँ पे 2 है, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, सो अब दूसरे वाले रो में प्रिंट होगा जे दैट इज 1 एंड 2। इसी सिमिलरली आगे अब जितना भी होगा वो बढ़ते जाएगा। अब हमें क्या करना है, एक पॉइंट के बाद जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, जैसे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, उसके बाद चीजें घटते जा रही है, वैल्यूज उसके डिक्रीज होते जा रहे हैं, तो हमें सिमिलरली एक और लूप चलाना है फॉर के इन रेंज। अब हमको पीछे जाना है। ओके, तो अब हम करेंगे आई माइनस 1 से 0 तक, और हर बार एक वैल्यू घटाते, एक नंबर घटाते जाएंगे। ओके, सो हम क्या करेंगे, प्रिंट k n इज इक्वल टू स्पेस, सिमिलरली वही चीज किया हमने, एंड फाइनली हम प्रिंट कर देंगे सिंगल एस्टर। ओके, सो यहाँ पर हमारा ये वाला जो कोड है कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको रन करके देखते हैं। एंटर नंबर ऑफ रोज मान लो 4, और इसको चला के देखो, तो ये देखो पहले पहले रो में 1 प्रिंट हुआ, फिर दूसरे रो में 1, 2, और इस वाले की वजह से यहाँ पे 1 प्रिंट हुआ है, फिर सिमिलरली 1, 2, 3। अगर हम ये वाला चीज हटा देंगे यहां से, प्रिंट प्रिंट, तो देखना यहाँ पे क्या प्रिंट होगा। ये देख, सिर्फ लास्ट सबसे बड़े डिजिट तक प्रिंट हो रहा है, उसके बाद से डिक्रीज नहीं हो रहा उसका वैल्यू। सो हमें यहाँ पे ये नहीं करना, हमें ऊपर वाला पैटर्न प्रिंट कराना है, इसलिए हमें यहाँ पर एक और लूप चलाना पड़ेगा जो कि डिक्रीजिंग उसमें होगा। सो फाइन, सो ये देखो ये चीज यहाँ पे हमारा प्रिंट हो गया। अब हमें प्रिंट कराना है ये वाला पैटर्न। सो अब हम पहले एक यूजर इनपुट लेते हैं, रो इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर रो वैल्यू, और एक वेरिएबल लेते हैं रम इज इक्वल टू, उसका वैल्यू साइन कर देते हैं हम 1। ठीक है, अब हम चलाते हैं यहाँ पर फॉर लूप फॉर आई इन रेंज 1 से रो प्लस 1
अब हम यहाँ पे नेस्टेड लूप लगाएंगे फॉर जे इन रेंज 1 से आई प्लस 1, ओके, एंड प्रिंट कर देंगे प्रिंट नम कॉमा एंड इज इक्वल टू सिंगल इन्वर्टेड कॉमा स्पेस एंड फाइनली, सॉरी नॉट फाइनली, नम का वैल्यू हम हर बार एक से बढ़ाते जाएंगे एंड अब हम यहाँ पे बस प्रिंट करा देंगे प्रिंट सिंगल इन्वर्टेड कॉमा स्पेस। सो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल लेके समझाती हूँ, ठीक है। जब फर्स्ट टाइम नम का वैल्यू है 1, ठीक है, सो जब फर्स्ट टाइम लूप में घुसेंगे हम तो आई का जो रेंज होगा वो 1, यानी जब आई का वैल्यू 1 होगा तो अंदर वाले लूप में जब हम घुसेंगे तो उसका रेंज हो जाएगा 1 से आई प्लस 1, यानी 1 से 2, यानी 1 से 2 यानी जस्ट 1, क्योंकि हम दूसरा वाला रेंज, दूसरा लास्ट वाला रेंज तो लेके चलते नहीं है, ठीक है। सो जब फर्स्ट टाइम हमें प्रिंट कराना होगा तो प्रिंट हो जाएगा नम, तो नम का वैल्यू है 1। अब हम ऊपर जाएंगे लूप में, अब आई का वैल्यू है 2, सो जे का रेंज हो जाएगा 1 से 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, यानी अब आपको नेक्स्ट वाले रो में 2 नंबर प्रिंट कराने हैं और हर बार नंबर एक से बढ़ जाए, ठीक है। पहले वाले में था 1, अब हम 1 से बढ़ा देंगे तो यहाँ पर अब हो जाएगा 2 एंड 3 एंड सिमिलरली जब ये आगे बढ़ते जाएगा तो नंबर एक से एक बढ़ते जाएगा, ठीक है। सो हमारा कोड यहाँ पे रेडी है, हम इसको चला के देखते हैं। एंटर रो वैल्यू 4, सो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।